2024 के आम चुनाव के पहले कांग्रेस सभी राज्यों में गठबंधन को मजबूत करने के प्रयासों में जुटी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को एक नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। क्या है इसके मायने, क्या होगी भूपेश बघेल की नई भूमिका, देखिए पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस इंडिया गठबंधन के माध्यम से सभी दलों को साधने के प्रयास में जुटी है। इसके लिए सभी राज्यों में सीटों के बंटवारे से लेकर संयुक्त रैली की दिशा में भी रणनीति तैयार की जा रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने नेशनल अलायंस कमेटी का गठन कर वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अशोक गहलोत के साथ ही मोहन प्रकाश, सलमान खुर्शीद और मुकुल वासनिक भी कमेटी में शामिल किए गए हैं। मुकुल वासनिक इस कमेटी के कन्वीनर बनाए गए हैं। इस कमेटी के माध्यम से जहां कांग्रेस ने गठबंधन के प्रति अपनी गंभीरता को प्रदर्शित किया है, तो वहीं भूपेश बघेल और अशोक गहलोत जैसे नेताओं की राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका के संकेत भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ में हार के बाद भूपेश बघेल को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन उन्होंने कोई भी पद लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में उन्हें नेशनल अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया जाना ये बता रहा है कि पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका देख रही है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने इसके लिए आलाकमान के प्रति आभार भी जताया। एक बड़ी जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे साहब और आदरणीय राहुल जी ने दी है, जिसमें माननीय अशोक गहलोत जी और मुकुल वासनिक जी और साथ ही दो और सदस्य इसमें हैं, उसमें मुझे भी रखा गया है। तो एक बड़ी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर हाईकमान ने दी है, मैं उसके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। तीन राज्यों में करारी हार के बाद साल 2024 के महामुकाबले में जीत कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि पार्टी ने न सिर्फ राज्यों में खुद को मजबूत करने की जुगत शुरू कर दी है, बल्कि गठबंधन दलों को साधने पर भी पार्टी का फोकस है। नेशनल अलायंस कमेटी का गठन भी इसी दिशा में संकेत दे रहा है। गौरव शर्मा, INS 24/7, रायपुर।